अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये शाम का टाइम है और इस टाइम अब फ्रूट ले आए थे तो मैं यहाँ उन्हें निकाल कर सेट कर रही हूँ। एक हाथ से बड़ी मुश्किल से निकाल रही थी मगर निकल नहीं रहे थे। खैर, मैंने बनाना निकाल कर पहले ही सेट कर लिए थे और मैंने एप्पल्स को वॉश कर लिया था। अब मैं इन्हें भी सेट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने एल्युमिनियम फॉइल पेपर ले लिया था और मैं इसे भी ऊपर लगा रही हूँ। इसे लगाने से ये होगा कि जो बनाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं वो नहीं होंगे और ये कुछ दिन तक सही रह जाएंगे, फ्रेश रह जाएंगे। ये है एल्युमिनियम फॉइल पेपर, कुछ दिन तक तो अब ये फ्रेश ही रह जाएंगे। और यहाँ आज मैंने कुरान पाक के लिए छोटे छोटे से कवर सिए थे। वैसे मैंने लाइफ में पहली दफ़ा स्टिचिंग की है और वो भी ये कुरान पाक के कवर थोड़े से सिए थे। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। अभी सुबह के 11 बजे हैं और मैं अब उठी हूँ, तो अब मैं उठ के सबसे पहले तो ये बिस्तर सेट कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊँगी। उससे पहले मैं ये विंडो बंद कर लूँ क्योंकि सुबह जब मैं नमाज़ के लिए उठी थी तो उसके बाद फिर बस मैं यहाँ से देखती रही। बहुत अच्छा ही लगता है सुबह सुबह का व्यू, तो इसीलिए फिर मैंने इसे ओपन ही रहने दिया था कि हवा आ रही थी बाहर से। तो फिर अब मैं इसे बंद कर रही हूँ क्योंकि नीचे जा रही हूँ और फिर यहाँ से मिट्टी आती रहेगी, तो इसी वजह से बस ब्लैंकेट लपेट कर रख कर और ये बेडशीट मैंने ऐसे सेट कर दी है। तो इसके बाद अब फिर चलते हैं नीचे और नीचे जाकर फिर देखते हैं। उससे पहले मैं ये फ़ैन ऑफ कर रही हूँ। रात में तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी तो हम बस सिर्फ फ़ैन चलाकर ही सोए थे और इतनी ठंड हो गई थी कि ब्लैंकेट ले लिए थे हमने। और यहाँ मैं चार्जर भी नीचे लेकर जा रही हूँ क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग एंड होने वाली है, तो इसीलिए जब तक मैं नाश्ता करूँगी तब तक मोबाइल चार्ज हो जाएगा। इसे मैं वहीं नीचे ही लगा कर रख दूँगी चार्जिंग पर। और नाश्ता भी रेडी हो चुका है यहाँ पर। नाश्ते में आज है चने पराठा और साथ में लस्सी। मैंने बस थोड़ा सा ही खाया था क्योंकि मुझे पराठे के साथ चने इतने अच्छे नहीं लगते, नान के साथ मुझे खाना अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज फिर पराठा था। तो फिर मैंने उसके साथ बस थोड़े से ही खाया, हाफ ही रोटी खाई थी। फिर बस 12 बज गए थे इतनी देर में, तो मैंने 12 बजे फिर सब्ज़ी कट करके रख दी थी और अपने लिए फिर चाय बना ली थी। शाम को 5 बजे सिस्टर आई हुई थी तो फिर यहाँ पर मोहम्मद शाह जैन बैठ कर खेल रहे थे। ये बस थोड़ी देर के लिए ही आए थे मिलने के लिए। ये पूरे एक वीक के क्लिप्स हैं जो मैंने सब इकट्ठे करके और आज मैं इस व्लॉग में अपलोड कर रही हूँ। अभी घर में कुछ काम कल चल रहा था जिस वजह से फिर मैंने अभी व्लॉग प्रॉपर बनाए नहीं है, तो इसीलिए मैं फिर अपलोड अभी एक वीक के बस कुछ कुछ जो क्लिप्स हैं उन सबको ऐड करके कर रही हूँ। कल से अब मैं बस प्रॉपर व्लॉग ही बनाया करूँगी। यहाँ पर जलेबियाँ मंगवाई थी बांटने के लिए और थोड़ी सी बस मैंने ये निकाल ली थी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं गई थी अपने भतीजे के बर्थडे पर जो कि अब माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है। आजकल तो टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, कितनी तेज़ी से गुजर जाता है कि कब 1 महीना हो गया और फिर उसके बाद 1 साल, पता ही नहीं चलता, बड़ी तेज़ी से ही गुजर जाता है। और ये अब माशाल्लाह से 1 साल का हो गया है। आप लोग सब भी माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है। बहुत बड़ी ग्रैंड बर्थडे नहीं की थी, बस छोटी सी सेलिब्रेशन थी कि घर के ही सब लोग थे। और यह मोहम्मद शाह जैन है जो कि बस मोबाइल मिल गया है और कार्टून में मस्त हैं। बच्चों को बस मोबाइल मिल जाए उसके बाद तो उन्हें बस किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता, बस वो मोबाइल में ही मस्त रहते हैं और कार्टून देखते रहते हैं। इसके बाद बस फिर मैं यहाँ खाना खा रही थी और खाने में राइस थे, टिक्का कबाब और साथ में ये कस्टर्ड। फिर उसके बाद केक कटिंग सेरेमनी हो गई थी। ये है नेक्स्ट डे का क्लिप और आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की दाल। उसके लिए मैं पहले अभी दाल निकाल रही हूँ, इसे साफ़ कर लूँगी और फिर उसके बाद इसे भिगोकर रख दूँगी। बस थोड़ी ही देर के लिए मैंने दाल को भिगोकर रखा था, उसके बाद फिर मैंने इसे बना लिया था क्योंकि इसे इतने ज़्यादा टाइम के लिए रखना तो होता नहीं है, तो इसी वजह से। और आप लोगों में से जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं मगर ना तो लाइक्स करते हैं ना ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। 46% जो लोग हैं उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मगर वो वीडियो को वॉच करते हैं,
तो आप लोगों का क्या जाना है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को वॉच भी कर लें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम की आईडी का नेम मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है स्क्रीन पर, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया वो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर मैं एक्टिव रहती हूँ और मेरी डेली की अपडेट वहाँ पर भी आती रहती है। तो जो लोग मुझे वहाँ पर फॉलो करना चाहें वो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर दोपहर में फिर अबू चिप्स और स्प्राइट साथ में लेते आए, वो बस आए थे थोड़ी देर के लिए ही, तो फिर ये लेते आए थे। और इतनी देर में बस दाल भी तैयार होने ही वाली है, मैं इसके लिए तड़का बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो मेरे व्लॉग्स कुछ गैप से ही आएंगे और आगे फिर इंशाल्लाह मैं रेगुलर हो जाऊँगी, क्योंकि अभी मज़ीद कुछ काम होना है घर में, इस वजह से फिर मैं प्रॉपर व्लॉग नहीं बना रही, बस मैं ऐसे थोड़े से क्लिप्स जो हैं उन्हें ऐड करके तो अभी अपलोड कर देती हूँ। तो जैसे ही काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं रेगुलर हो जाऊँगी। यहाँ मैंने थोड़ी सी दाल निकाल ली थी, क्योंकि मुझे ऐसे गरम गरम दाल खाना बहुत अच्छा लगता है। और शाम में ये अनार का जूस आ गया था तो फिर मैं ये पी रही थी थोड़ा सा। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करने और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करने। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।